हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर पहले सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखने मिलेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप जर्मनी पढ़ाई के लिए आते हो तो आप साथ साथ कितने सारे पैसे कमा सकते हो। इन शॉर्ट, आप यहाँ पे कौन से तरीके के जॉब्स कर सकते हो, आपको वो जॉब्स कैसे मिलेंगी और कैसे आप पढ़ाई के साथ साथ ही आपका जो खर्चा है वो आराम से उठा सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जर्मनी में आने के लिए ना बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, हमने सुना है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, बट क्या वो वाकई में फ्री है या हमें कुछ पैसे पे करने होंगे। तो आप सबको पता है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देना होता है, ट्यूशन फीस नहीं होती है। तो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन भी 200 से 400 यूरो के बीच आ जाता है, दैट अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। बट जो मेन बड़ा अमाउंट होता है जर्मनी आने के लिए पढ़ाई के लिए, दैट इज़ योर ब्लॉक्ड अकाउंट अमाउंट। तो वो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट जो होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 10,300 यूरोस। तो ये आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कम से कम 8 से 10 लाख आपको साइड में रखने होते हैं जर्मनी आने से पहले। तो उसकी अरेंजमेंट बहुत सारे बच्चों को देखना होता है कि कैसे करें ताकि हम जर्मनी पहुंचने से पहले ये अमाउंट अरेंज करें। और बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है, आप जब जर्मनी आते हो तो आपको एवरी मंथ यूज करने के लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है। तो एंड ऑफ द डे वो आपके रहने के लिए ही वो खर्च होगी। मतलब आप जब यहाँ पे आते हो तो एवरी मंथ आपके जो एक्सपेंस होंगे, आपका जो अकोमोडेशन होगा, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर करने के लिए ये ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट होता है। अगर आप ये मनी अरेंज करते हो इधर लोन के थ्रू या कैसे तो मनी अरेंज करते हो, तो हमेशा बच्चों को ये टेंशन होता है कि वो अमाउंट कैसे पे करें हम। इधर हमें 2 साल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब जॉब मिलेगी उसके बाद हम वो अमाउंट पे कर पाएंगे, ऐसे सवाल होते हैं। तो इसी सवाल का आज मैं जवाब देना चाहूंगी कि आपको उन 2 सालों तक रुकने की जरूरत नहीं है जब तक आप एजुकेशन कंप्लीट करो। आप जब आपकी एजुकेशन कर रहे हो, इनफैक्ट आप पहले मंथ जब जर्मनी आते हो और आपका यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट करते हो, उसी फर्स्ट मंथ से आप यहाँ पे काम भी कर सकते हो। एंड वो जो अमाउंट होती है वो आप इतनी कमा सकते हो कि आपका यहाँ का एक्सपेंस भी कवर्ड हो जाएगा, आप जो थोड़ा अमाउंट है वो आप वापस अपने घर भी भेज सकते हो, प्लस आपको कुछ सेविंग करनी है वैसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारी जॉब्स है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ जॉब्स की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जर्मनी आते हो, सबसे पहले तो आपने दिमाग में ये रखना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का काम होता है और यहाँ पे हर कोई काम करता है और कोई आपको जज नहीं करता कि आप किस तरीके का काम करते हो, आप ऑफिस में काम करते हो या कौन से एनवायरमेंट में काम करते हो। तो ये कभी भी आपको कोई जज नहीं करेगा, तो इसलिए वो चीज़ तो दिमाग से निकाल दो। जो भी काम मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है और वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पैसे कमाने की, तो वो लेनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं सोचना है कि दुनिया क्या बोलेगी या लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का इतना यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरे जो सीनियर्स है, सीईओ और डायरेक्टर लेवल टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने जर्मनी में पढ़ाई करी है, अभी मैंने तो पढ़ाई नहीं करी यहाँ पे, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकती हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई करते टाइम आप कौन से जॉब्स कर सकते हो। बट मैं बहुत यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोगों को जानती हूँ। तो अगर मैं जब बात कर रही थी मेरे सीनियर्स की, उन्होंने यहाँ पे बार में काम किया हुआ है, रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है, क्लीनिंग का काम किया हुआ है, बर्तन वर्तन भी धोए हुए हैं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें है। तो इसलिए, और यहाँ पे इनफैक्ट मैं बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ पिछले 2-3 सालों में जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ वो बहुत अलग अलग तरीके के मिनी जॉब्स कर रहे हैं। तो कोई आपको ये जज नहीं करता, एंड इनफैक्ट वो बहुत खुश है कि उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ ये एक्स्ट्रा जॉब्स भी कर लिए एंड दे आर नाउ वर्किंग फुल टाइम। तो ये ट्रांजिशन जो है ये बहुत ही सही रहेगा। तो अभी बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो आपने तो मेरे बातों में अभी सुन लिया होगा मिनी जॉब्स। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले तो होता है यहाँ पे मिनी जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड हीवी जॉब्स। तो ये कैटेगरी क्या क्या है इसको मैं डिटेल में बता दूंगी। पहले हम बात करते हैं मिनी जॉब्स क्या होती हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आई हूँ, पीछे डायनासोर दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो कहाँ पे हूँ मैं? तो एक्चुअली मैं हूँ फ्रैंकफर्ट के सेंगपेगर म्यूजियम पे। तो ये एक्चुअली उसका प्रीमाइसेस है, आप पीछे इतना बड़ा डायनासोर भी देख सकते हो। तो आज सैटरडे है, बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस म्यूजियम में आए हैं। तो ये एक्चुअली एक साइट सीइंग का भी एक बहुत बड़ा लोकेशन है फ्रैंकफर्ट में। अगर आप साइट सीइंग के लिए आते हो ना, तो आपको बसेस भी यहाँ पे इस स्टॉप पे उतारेगी और फिर अंदर आप जाके, ये नेचर म्यूजियम है तो अंदर जाके म्यूजियम में भी घूम सकते हो। तो अभी
बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मिनी जॉब्स होती है, तो मिनी जॉब्स क्या होती है पहले तो मैं कुछ एग्जांपल्स देखती हूँ कि आपको कि ये मिनी जॉब्स कौन सी होती है। जैसे आपने मैकडॉनल्ड्स पे काम कर लिया, या फिर आपने फूड डिलीवरी जो एप्स है उनके यहाँ पे एज अ डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल काम किया, और यहाँ पे वो वेबसाइट्स ना लीफरांडो, वोल्ट ऐसे होती है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और अदरवाइज आप अमेजोन के वेयरहाउस में भी काम कर सकते हो। मैं बहुत सारे ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ कि जो इन ऑप्शंस में इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। प्लस यहाँ पे जर्मनी में ना बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा है और उनको असिस्टेंस की, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो दे आर ऑल्सो ऑलवेज चेकिंग कि कोई अगर स्टूडेंट्स है वो अपने पढ़ाई के साथ अगर उनको थोड़े से होम असिस्टेंस में, या फिर उनका गार्डन है तो थोड़ा सा गार्डन साफ करने में, अगर उनके पास डॉग है तो डॉग वॉकिंग करने के लिए, इन कामों में अगर हेल्प कर सके। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप आराम से कर सकते हो। प्लस आप रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हो, वेटर वेट्रेसेस का काम कर सकते हो, मतलब बहुत ऐसे जॉब्स हैं उनको कहते हैं मिनी जॉब्स। और अभी बात करते हैं कि आप यहाँ पे इन जॉब्स में कितने पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले तो आप 450 यूरो पर मंथ बिना टैक्स के कमा सकते हो इन जॉब्स के थ्रू। तो जो भी अमाउंट है 450 यूरो मतलब बड़ा अमाउंट होता है, और अगर आप पढ़ाई के साथ इन छोटे छोटे जॉब्स करके अगर कमा सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। प्लस अगर आप ओवर टाइम भी करते हो तो ओवर टाइम के भी आपको पैसे मिलते हैं। तो अगर मैं 1 आवर बेसिस की अगर बात करूँ कि 1 आवर के लिए आपको कितना अमाउंट पे होता है, तो दैट इज़ अभी 2022 में चल रहा है, तो दैट इज़ 9.82 यूरो, और जुलाई 2022 के बाद से वो होने वाला है 10.52 यूरो, ऐसा कुछ, मतलब 10 यूरो से ज़्यादा ही होने वाला है, इतना अमाउंट पर आर के बेसिस पे होने वाला है। तो इसमें भी क्या होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो जहाँ पे भी आपको जॉब लेनी है कि आप वहाँ पे कितना टाइम काम करना चाहोगे। तो वैसे आप फुल डेज भी काम कर सकते हो और हाफ डे भी काम कर सकते हो। फुल डे मतलब 8 आवर्स होता है एंड हाफ डे मतलब 4 आवर्स, और आप कितना आवर्स काम कर सकते हो ये भी आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो वहाँ पे पढ़ाई भी करनी होगी, क्लासेस भी अटेंड करने होंगे, तो मैं फुल टाइम तो यू नो 8-8, 10-10 घंटे का काम तो नहीं कर सकता। तो उसकी भी आपके पास चॉइस है, बट ऑफिशियली अगर मैं बताऊँ तो आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। तो आप फिर वो चेक कर सकते हो कि जो क्लासेस है वो किस तरीके से है, कौन से दिनों पे है, और कौन से दिनों पे आपके पास इनफ आवर्स है कि आप ये मिनी जॉब कर सकते हो। ऑफिशियली इट्स 20 आवर्स पर वीक, एंड ओवरऑल ईयर की बात करें तो आप काम कर सकते हो 120 आवर्स पर ईयर फुल टाइम 8 घंटे, या फिर आप काम कर सकते हो 240 आवर्स पर ईयर 4 आवर्स, मतलब आप डिवाइड ऐसे कर सकते हो। बट इन शॉर्ट ये है टोटल जो ऑफिशियली आप काम कर सकते हो। प्लस आप ओवर टाइम भी कर सकते हो, और ओवर टाइम की फिर अलग से आपको आर्ली बेसिस पे भी पे हो जाएंगे। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट मिनी जॉब्स का। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो आपको अगर जर्मन आती होगी A2 B1 लेवल तक की भी, तो आपको इतनी आसानी हो जाएगी ना यहाँ पे जॉब्स करने में, आपको यहाँ पे रहने में। क्योंकि अगर मिनी जॉब्स की भी अगर मैं बात करूँ तो इतनी सारी जॉब्स, स्पेशली वेट्रेस की जॉब, या फिर आपको जहाँ पे फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करना होता है, मतलब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिर आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि मुझे जर्मन लैंग्वेज वाली जॉब नहीं देखनी है और मुझे ना इंग्लिश लैंग्वेज वाली जॉब के लिए रुकना होगा, तो इतना आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। एज लॉन्ग एज मतलब आप आते हो, जर्मन आती है, आप फुल ऑन रेडी हो, क्लासेस शुरू हो जाते हैं, आपके मतलब एजुकेशन भी स्टार्ट हो रही है, आपको साथ में जॉब भी मिल रही है, तो आप वहां से भी ऐसे कमा सकते हो। तो ये बहुत एक सही ऑप्शन है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि जर्मनी आने का प्लान करते हो तो डेफिनेटली जर्मन सीखना। इनफैक्ट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आपको बिग एकेडमी का जो जर्मन कोर्स है, A1 A2 लेवल, ये दोनों भी ऑप्शन है। मैं लिंक में आपको दे दूंगी उसकी लिंक, वो आप चेक कर सकते हो। एंड आप आने से पहले ही, या इनफैक्ट आप जर्मनी में भी अगर आए हो, तो आप A1 A2 सीखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड 5,000 रुपीज में आप एक लेवल कंप्लीट कर सकते हो, तो उससे और क्या बड़ी अच्छी चीज़ होगी। प्लस आप आने से पहले ही 5,000 में A1 सीख रहे हो, A2 भी आप सीख सकते हो, एंड वो आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर देते हैं। तो अगर आपको सर्टिफिकेशन भी एग्ज़ाम देनी है तो वो भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। प्लस एज लॉन्ग एज आपको बोलने आ रही है, आप समझ पा रहे हो, तो आपका काम तो सही बन गया ना, और आपको यहाँ पे काम भी मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन भी ज़रूर चेक करना, नीचे लिंक दी हुई है, ये ऑप्शन आप जर्मन लेवल के लिए स्टार्ट कर सकते हो।
और ये मिनी जॉब्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। एक बार आप जर्मनी आते हो और उसके बाद फॉर एग्जांपल आप अगर सुपरमार्केट में जाते हो, आप वहाँ पे भी देखोगे या फिर कॉफ़ी शॉप्स या रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे ना यूजुअली लिखा रहता है कि हेल्प रिक्वायर्ड, या फिर ये मिनी जॉब के लिए ओपन पोजिशन है और 1 आवर के लिए वो आपको कितने पे करेंगे, ऐसे बहुत सारे लगे रहते हैं एडवर्टाइज। और मैं रिसेंटली एक बार ना अभी एल्टी स्टोर में गई थी, वहाँ पे भी मैंने एक एडवर्टाइज देखी है, वो यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाऊंगी कि आपको कैसे एडवर्टाइज दिखेंगी। बट अदरवाइज आप ऑनलाइन अगर देखना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो ये मिनी जॉब्स, और आप चेक कर सकते हो फेसबुक ग्रुप्स या फिर ईबे क्लाइन एनजाइगर डॉट डी है, वो वेबसाइट चेक कर सकते हो, या फिर आप लोकल जॉब्स डॉट डी ई ये वेबसाइट है, एंड माइनस स्टार्ट डॉट डी ई ये कुछ वेबसाइट्स है, ये आपको यहाँ पे लिंक में उसकी स्पेलिंग्स करेक्ट पता लग जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनके भी आप बोर्ड्स पे चेक कर सकते हो कि यूजली क्या होता है। मैं जिन बच्चों को जानती हूँ उन्होंने मुझे ये भी बताया हुआ है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जनरली वो जो बोर्ड होता है वहाँ पे कहाँ पे ओपनिंग है या कहाँ पे मिनी जॉब्स की पोजीशंस अवेलेबल है वहाँ पे भी लिखा रहता है, तो आप वहाँ पे भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि चलो आप पढ़ाई के साथ साथ भी काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, यूरोज में कमा रहे हो, अच्छी बात है, बट इन सारी मिनी जॉब्स के चक्कर में आप अपने पढ़ाई को इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पैसे आ रहे हैं इस चक्कर में खुश हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, बट ये आपकी मेन जॉब नहीं है, तो अगर आपके सब्जेक्ट के रिलेवेंट वो जॉब नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। दूसरी कैटेगरी ऑफ जॉब्स होती है हीवी जॉब्स, तो ये होती है हिल्स विसन शाफ्टलर जॉब्स। इसमें क्या होता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहाँ पे आप किसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को चेक कर सकते हो कि कोई ओपनिंग्स है क्या, आप उनके अंडर एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं उनके पास अलग अलग प्रोफाइल्स होती है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को भी ऑफर करते हैं जॉब रोल, तो इसमें भी आप प्रॉपरली कमा सकते हो, आज आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि आप कितने आज काम कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, एंड ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपने पीछे देखा वो था सेंगबर्ग म्यूजियम, और उसी के साथ ही यहाँ पे है गोएथा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, तो ये आप पीछे देख सकते हो एक छोटा सा ही कैंपस है उनका, और इसी कैंपस के ऑन द अदर साइड है यहाँ की गोएथा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ और कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। और एक जो ऑप्शन होता है वो होती है इंटर्नशिप्स, तो इंटर्नशिप्स में क्या होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में आपके, उसके रिलेवेंट जहाँ पे भी ओपनिंग्स है वहाँ पे आप काम कर सकते हो, और ये जनरली इंटर्नशिप बच्चे स्टार्ट करते हैं सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर से ही अपने। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको एक थोड़ा सा एक माहौल पता लगता है कि ऑफिसेस में कैसे वर्क एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री कर रहे हो आप और उसके रिलेवेंट आपको कोई जॉब ओपनिंग मिल जाती है, जैसे कंपनीज लाइक जो आईटी कंपनीज है एक्सेंचर, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, यहाँ पे जब आप एज अ वर्क स्टूडेंट या फॉर इंटर्नशिप आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको वर्क एनवायरनमेंट भी पता लग जाता है, प्लस आपको टास्क भी पता लगते हैं कि कौन से प्रोफाइल्स है जहाँ पे आपको काम करने में इंटरेस्ट हो सकता है, अगर आप फुल टाइम आगे जाके उसमें करना चाहोगे तो, या फॉर दैट मैटर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने उस सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंपनीज होती है जैसे BMW, Porsche, Mercedes, वहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स होती है जहाँ पे आप एज अ इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे जगहों पे ना आपको एक बहुत एक फुल टाइम जो होने वाला है उससे पहले का एक जो एक माहौल है वो आपको पता लगता है, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए काम कर सकते हो, बिकॉज अभी भी आप स्टूडेंट ही हो तो 120 आवर्स और 240 आवर्स, ये जो पार्ट टाइम और फुल टाइम जो मैंने शुरुआत में बताया था, ये आपको अभी भी एप्लीकेबल होता है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो आपको कहाँ पे और कितने ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप करनी है। और इंटर्नशिप करने के लिए बहुत सही ऑप्शन आपको ढूंढने का जो है वो है जॉब सर्च वेबसाइट्स, जो वेबसाइट जैसे लिंक्डइन है। आई वुड से आप जैसे ही जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही जब होते हो ना, तब से अगर आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे कि कौन सी कंपनीज आपके रिलेवेंट है या फिर कहाँ पे ओपनिंग्स है, आप नेटवर्किंग करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी फिर सेकेंड थर्ड सेमेस्टर के अराउंड आपको इंटर्नशिप, यू विल लैंड एन इंटर्नशिप एंड यू कैन स्टार्ट विद इट। ऐसा ना हो कि फिर बाद में रिसर्च आपने स्टार्ट किया और फिर लेट हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ उन्होंने ऐसे ही किया है, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि ऐसे आप कर सकते हो। और जो वेबसाइट्स है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंटर्नशिप, दैट इज़ लिंक्डइन,
नेटवर्किंग बनाओ, आपका सीवी सही से बनाओ, अपलोड करो, जो रिक्रूटर्स है, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन तक पहुंचाओ कि आप ओपन हो इंटर्नशिप्स के लिए एंड यू आर एक्टिवली लुकिंग। लिंक्डइन हो गया, फिर जो जिंग है वो जर्मनी का लिंक्डइन वर्जन है, बट उसके लिए आपको जर्मन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जब आप ये सारा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हो उसी दौरान जर्मन बहुत अच्छी अपनी करना, ताकि एटलीस्ट B1 लेवल तक हो, ताकि जब इंटर्नशिप भी होगी ओपनिंग्स तो उसके लिए आपको यू नो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कि लिमिटेड ऑप्शंस ना हो, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो। देन आई वुड से indeed.de, वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, वहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स आती है। फिर जो stepstone.de है वो वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। ये सारी बहुत ही ऐसी वेबसाइट्स है जो एक्टिवली जर्मनी में हायरिंग होती है, तो उसका लिस्टिंग उन वेबसाइट्स पे होता है। प्लस आप थोड़ा सा खुद अपना रिसर्च करो, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, खुद अपना रिसर्च करो और चेक करो कि आप जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक पे इंटर्नशिप करना चाहते हो उन टॉपिक्स पे काम करने वाली कितनी कंपनीज है, और एक्टिवली जाके उनके वेबसाइट पे चेक करो, करियर ओपनिंग्स पेज पे कि कौन सी ओपनिंग्स है। अगर आप CV अपलोड कर सकते हो तो वो CV अपलोड कर दो, अच्छा सा अपना कवर लेटर बनाओ। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप ध्यान रखो एंड आसानी से फिर इंटर्नशिप भी मिल जाएगी आपको। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे जिन कंपनीज में बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं वहीं पे फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं फुल टाइम जॉब के लिए, तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो इसलिए अच्छे से इंटर्नशिप के ऑप्शंस देखना एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ आल्सो लैंडिंग अ फुल टाइम जॉब देयर। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली आप जर्मनी एज अ स्टूडेंट आते हो तो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आपको एवरीडे बिहाइंड द सीन स्टोरीज रील्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी पता लगेगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो और यहाँ पे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको जल्दी पता लगेगा। एंड अंटिल देन, आउफ विडरज़ेन।